हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शशिकांत। आज बहुत एक अच्छी बात है यार, मैं ऐसे बंदे की बात करने जा रहा हूँ जो एक मेरा दोस्त है, और वो दोस्त है कहीं गलत संगत में चले ना जाए। उसे मैंने समझाने की कोशिश की मगर नहीं समझा, सो मुझे लगा कि शायद मेरी वीडियो से हेल्प हो जाए और ये मेरी वीडियो उस दोस्त के पास ज़रूर पहुँचे। आई होप सो कि वो ज़रूर देखे ये वीडियो। अगर आप बहुत से लोग होंगे अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे अगर मैं जो बोलना जा रहा हूँ, क्योंकि ना मैं चाहता हूँ कि अगर आपको शॉर्ट कोई आपके पास में ऐसा कोई ड्रीम है जो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी लेंदी है, और आपने सोच रखा है कि मुझे ये गोल पूरा करना है, तो गाइस आपकी तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि उसे ना शॉर्टकट में मत अपनाइए, क्योंकि वो जो गोल आपका जो ड्रीम है ना वो लॉन्ग टर्म बिल्कुल नहीं चलने वाला है। जो आपकी मेहनत है सब बेकार चली जाएगी, और जो कोई कुटिलता कोई ऐसा इजी वे मत अपनाइए जिससे आप फंस जाओ। और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जितनी आपकी मेहनत कड़ी मेहनत होगी ना उतना ही उसका फल जो है ना मीठा मिलेगा, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा है कि सब मेहनत का फल मीठा होता है। और मैं उसे है ना बताने की कोशिश कर रहा था कि उसे है ना बहुत जल्दी सक्सेसफुल चाहिए, उसे बहुत जल्दी ही सक्सेस चाहिए, उसका जो जबरदस्त जो बड़ा सपना है ना उसे जल्दी ही पूरा हो जाना चाहिए। बट किसी कारण सम हाउ वो है ना शॉर्टकट अपनाने लग गया, जैसे कि जुआ खेलना। बड़े भाई होने के नाते मैं उसे समझाना चाहता हूँ कि जुआ खेलना एक ऐसा दलदल है जिसमें आप फंसते ही चले जाओगे। अगर आप उस दलदल में फंस गए तो समझ लेना कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद है, और आपके फैमिली वाले, अपने परिवार वाले और जो भी आपसे रिलेटेड से जो आपसे जुड़ा हुआ है सब लोग तुम्हें ताना मारना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप जुए में अगर जीतते भी हो ना तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि आप जीत तो जाओगे वो पैसे से, मगर जो पैसा आपने जीता रहेगा ना उसकी ज़्यादा केयर नहीं होगी, उससे अनसेंट चीज़ें खरीदोगे, अनसेंट चीज़ किसी चीज़ में ऐसे यूज़ करोगे जो आपको आपके किसी मतलब का नहीं होगा, आपका माइंड उस काम पे टिका नहीं है, बोले पैसा जीता हुआ तो है, कौन सी बड़ी बात है, वापस से जीत लेंगे, इस तरह से आपका माइंड काम करेगा। और अगर आप फेल हो जाते हो, इन द सेंस कि अगर आप हार जाते हो उस जुए के अंदर, तो आप है ना अपनी जो चीज़ को आप जो पैसा हारे होगे उस पैसे को मैं वापस कैसे पाऊँ, उसके लिए आप वापस खेलोगे। उस वापस खेलने के चक्कर में आपके पास जो भी पैसे पड़े होंगे बाकी के, जो भी चीज़ आपकी अमूल्य वस्तु होगी आप उसको बेचने के लिए तैयार हो जाओगे यार, फिर आप उसे कैसे पाओगे, फिर हार जाओगे। अगर आपकी नसीब बिल्कुल गंदी रही और ख़राब रही तो हारते ही चले जाओगे, इस दलदल में फंसते चले जाओगे, इससे ज़्यादा और क्या सकता है, तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तुम्हें कोई भी बचाने के लिए नहीं आएगा, तुम्हें कोई भी हेल्प करने नहीं आएगा उस समय, आपके परिवार वाले, आपके फैमिली वाले, कोई भी नहीं। अभी भी टाइम है, सुधर जाओगे ठीक है, नहीं सुधर जाओगे तो अपनी ज़िंदगी आप खुद ही ख़राब कर लोगे। आप तुम्हें एक बात और बता दूं, परिश्रम से पाया हुआ पैसा तुम इस तरह खर्चा करोगे कि उसकी एक वैल्यू रहेगी। अगर जो पैसा फ्री में मिल जाए ना यार तो उसकी एक वैल्यू भी नहीं रहेगी। अब तुम ना जाने कैसे पैसे खर्चे कर दोगे, तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा कि मेरे पैसे गए किधर, किसी बकवास सी चीज़ में ख़त्म हो जाएगा, और तुम अपना जो ड्रीम है जो सपना है वो पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि है ना आदमी इतना इनोसेंट हो जाता है ना उस समय, क्योंकि उस पैसे जो जुए में जीता होता है ना वो पैसे की कदर नहीं करता है, उसे बकवास जगह पे यूज़ कर लेता है, उड़ाता है, अच्छे दोस्त बनाता है, और दोस्त ऐसे बनते हैं सकिंग वैम्पायर, वो आपको चूस लेंगे यार, और जिस दिन आपका मतलब निकल जाएगा ना आपसे तो उस दिन आपको किक मार के लात मार के बाहर फेंक देंगे। सो रिमाइंड दैट, अपने आप को कठोर बनाओ, परिश्रम से पाओ यार जो पाना है, और मेहनत करके दिखाओ। जाते जाते एक बात और, कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरे भाई, आज नहीं तो और कभी लोग करेंगे गौर कभी, मेहनत कर यार, जला दे अपने अंदर की मशाल, लोगों का क्या है यार, वो लोग तो बोलेंगे ही, मगर ये जुआ खेलना और किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना अपना पैसा, दिस इज़ नॉट वर्थ इट, बता दे रहा हूँ। बाद में फिर जाके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना यही काम हो जाएगी भाई, और कुछ नहीं बढ़ पाएगा आगे। थैंक यू, एक बड़े भाई होने के नाते तो को समझाया हूँ, अगर समझ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाया तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो और कभी लोग करेंगे गौर कभी, याद रखना हमेशा। थैंक यू सो मच।